लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA। मोदी सरकार ने लिया कैसा बड़ा फैसला, जाने कब से लागू होंगे CAA के नियम। CAA यानी कि संशोधित नागरिकता अधिनियम, जिसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार अब जल्द एक बड़ा फैसला लेने वाली है। खबर तो ये भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही देश में CAA के नियम लागू हो सकते हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक CAA मार्च के पहले हफ्ते से लागू हो सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगले महीने के पहले हफ्ते में CAA के नियम लागू किए जा सकते हैं। NDTV के सूत्रों के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते या इसके बाद किसी भी दिन CAA के नियम लागू कर दिए जाएंगे और नियम लागू होने के साथ ही CAA कानून लागू हो जाएगा। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने NDTV को बताया कि CAA लागू करने के लिए बकायदा पोर्टल तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। बताया जा रहा है कि CAA की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। इसके साथ आवेदन करने वालों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में एंट्री की थी। खास बात तो यह है कि किसी भी आवेदक से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। दरअसल मार्च में CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के कयास इस वजह से भी लगाए जाने लगे हैं क्योंकि मार्च में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देखते हुए 25 फरवरी को कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मन की बात का अगले 3 महीने प्रसारण नहीं होगा। आपको बता दें, CAA कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, इसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, CAA देश का कानून है और इसकी अधिसूचना जरूर जारी होगी। इसे चुनाव से पहले जारी किया जाएगा। इसे लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आपको याद ही होगा, दिल्ली समेत कई राज्यों में इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जमकर हुए थे। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं है। CAA के तहत केंद्र की मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित उन गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहती है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे, और माना यह भी जानने लगा है कि जल्द ये कानून लागू हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।